नमस्कार, मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इन स्पेस मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में स्वागत करते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय सांसद श्री आर पाटिल भी आज इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं। गाइडेड बाय द न्यू स्पेस रिफॉर्म्स, स्पेस सेक्टर के विकास में आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्राइवेट एंटरप्राइजेज में स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने और इस सेक्टर में उनकी भागीदारी को ऑथराइज करने के लिए ही माननीय मंत्री जी के विजन से ही इन स्पेस की परिकल्पना की गई थी। इन स्पेस के हेडक्वार्टर का उद्घाटन उस विजन को पूरा करने की शुरुआत है। मुझे खुशी है कि इन स्पेस इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक श्री विक्रम साराभाई के जन्म स्थान से संचालित होगा और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत के प्राइवेट सेक्टर, विशेष रूप से युवा स्टार्टअप्स में भारतीय स्पेस सेक्टर को एक नए ऑर्बिट में ले जाने की क्षमता है। एग्जिबिट एरिया का भ्रमण करते समय हमारे डिग्निटरीज पहले ही उस क्षमता को देख चुके हैं और इस इवेंट के बाद आपको भी ये क्षमता देखने का अवसर मिलेगा। अब हम इन स्पेस और निजी क्षेत्र के स्टार्टअप्स के बीच किए जाने वाले एमओयू एक्सचेंज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इन स्पेस के डायरेक्टर्स और साइंटिफिक सेक्रेटरी इसरो से विनम्र अनुरोध है कि वे एमओयू एक्सचेंज मंच पर पधारें। अगले एमओयू एक्सचेंज के लिए आमंत्रित हैं ग्राउंड ट्रूथ टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग डेटा एवं एडवांस्ड इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स के उपयोग से वाणिज्यिक, शैक्षिक और अन्य संबंधित एप्लीकेशंस के लिए tathya.earth और इसरो के बीच यह एमओयू किया गया है। धन्यवाद। भारत में स्पेस सेक्टर से जुड़ी प्राइवेट इंडस्ट्री को सिर्फ वेंडर के तौर पर ही देखा गया। सरकार ही सारे स्पेस मिशन और प्रोजेक्ट्स पर काम करती थी। स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म करके, उसे सारी बंदिशों से आजाद करके इन स्पेस के माध्यम से प्राइवेट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करके देश आज विनर्स बनाने का अभियान शुरू कर रहा है। आज प्राइवेट सेक्टर सिर्फ वेंडर बनकर नहीं रहेगा बल्कि स्पेस सेक्टर में बिग विनर्स की भूमिका निभाएगा। भारत के सरकारी स्पेस संस्थानों का सामर्थ्य और भारत के प्राइवेट सेक्टर का पैशन जब एक साथ जुड़ेगा तो उसके लिए आसमान भी कम पड़ेगा। इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। मुझे पूरा भरोसा है आपकी सक्रिय भूमिका से भारत स्पेस सेक्टर में नई ऊंचाई हासिल करेगा। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं खास करके जो प्राइवेट सेक्टर ने उत्साह के साथ भाग लिया है, जो नौजवान नए हौसले नए संकल्प के साथ आगे आए हैं, उनको बधाई भी देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं।